हे गाइस नमस्ते, केम छो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी ब्लॉग्स। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है। अब किसी को नहीं पता इस सरप्राइज के बारे, मेरी वाइफ को भी नहीं पता है, मेरे फ्रेंड्स फैमिली और किसी को भी नहीं पता है। तो सभी के लिए सरप्राइज एक साथ ही खुलने वाला है। तो आप सब लोग रेडी हो? आने दो सरप्राइज को, आने दो। GoPro Hero 7 तो चलिए अभी जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्स करने से पहले थोड़ा डिटेल के बारे में बात करते हैं। GoPro Hero 7 ब्लैक स्पेशल बंडल पैक है ये। तो इसको स्पेशल बंडल पैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक सेल्फी स्टिक, एक एक्स्ट्रा बैटरी और एक 32 GB मेमोरी कार्ड बिल्कुल भी फ्री है इसमें। और यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4K 60 FPS और 1080 240 FPS तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और अप टू 10 मीटर तक आप पानी के अंदर भी इसको शूट कर सकते हो। वॉइस कमांड है ये, टच स्क्रीन है, 8x स्लो मोशन जूम, GPS, HDR, हाइपर स्मूथ का भी ऑप्शन है इसमें, और लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हो। और यहाँ पीछे से कुछ इस तरह से है ये बॉक्स का, और यहाँ पे MRP वगैरह डिटेल्स दिया हुआ है। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स के अंदर क्या है चीज़ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो कुछ इस तरह से बॉक्स में हमारा GoPro फिक्स किया हुआ है, और ये हमारा वारंटी कार्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिला हुआ है। तो एक हेलमेट माउंट मिला हुआ है, चार्जिंग के लिए और डेटा ट्रांसफर के लिए केबल दिया हुआ है, दो दो बैटरी हमको मिली हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि ये बंडल पैक है, तो इसमें एक बैटरी हमको एक्स्ट्रा मिला हुआ है, और एक सेल्फी स्टिक दिया हुआ है, और एक मेमोरी कार्ड और एक एडेप्टर भी हमको मिला हुआ है यहाँ पे। चलिए अभी ये बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन बुक्स वगैरह यहाँ पे दी हुई है GoPro की तरफ से। ये दो स्टिकर्स आप लगा सकते हो अपने हेलमेट और बाइक पे, और ये इंस्ट्रक्शन बुक, वो बहुत ही मोटा बुक दिया हुआ है। ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। तो ये हमारा मेन कैमरा है, देख सकते हो कि यहाँ पे ये लेंस इस साइड पे है, और यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन जैसा दिया हुआ है जिसमें आप कैमरा ऑन ऑफ है या कौन से मोड पे है वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एक पावर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे पीछे टच स्क्रीन दिया हुआ है ये पूरा, और ये इसको ऐसे यहाँ से रिमूव करना होता है। और ये हमारा नीचे का स्टैंड निकल गया है, और यहाँ से ऊपर से आपको थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन इस तरह से ही ओपन होता है ये। और ये
पूरी फ्रेम है। तो बहुत ही छोटा सा कैमरा है ये। यहाँ पे मोड का स्विच दिया हुआ है और यहाँ पे ब्लैक 7 का ब्रांडिंग दिया हुआ है, कौन सा मॉडल है वो। और यहाँ पे नीचे ये बैटरी कंपार्टमेंट है, तो इसको ओपन करते हैं। तो और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट दिया हुआ है। सिंपल सा पुश करना है बैटरी को, कुछ लॉक एंड की वाला ऑप्शन नहीं है। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कैमरा है ये। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं बैटरी डाल के। तो ये हमने कैमरे को ऑन कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हो कि ब्लैक 7 का ब्रांडिंग आ रहा है और यहाँ पे नीचे GoPro का ब्रांडिंग। यहाँ पे पीछे कुछ इस तरह से कैमरा ऑन हो चुका है और यहाँ पे लैंग्वेज और ये इसका बैटरी डाउन। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ से सिंपल पुश करना है, 3 सेकंड के लिए पुश करने का। GoPro, तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन, तो इंग्लिश। ओके, यहाँ पे थोड़ा कुछ लीगल, एग्री, लोकेशन ऑन। और यहाँ पे कुछ ऐप इंस्टॉल करना अभी बोल रहे हैं, तो अभी हम कंटिन्यू नहीं करना है, स्किप कर देते हैं अपने। तो आज कौन सा डेट हुआ है, पच्चीस सात 2020। बहुत ही बेकार ईयर है ये कोरोना, कोरोना की वजह से। और टाइमिंग अभी बजे है शाम के 4। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिया हुआ है। 37 बैटरी है परसेंटेज वो दिया हुआ है, मेमोरी कार्ड इसमें नहीं है। और यहाँ पे कितना वाइड है वो भी सब डिटेल्स दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि कितना वाइड एंगल कैमरा है। और एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, चलिए अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। तो चलिए भले ऑन रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये जो बैटरी का कंपार्टमेंट है उसमें जो मैंने बैटरी डाला हुआ है, तो उसका एक यहाँ पे खींचने के लिए आता है, वो मैंने खींचा तो टूट गया। तो ये मेरे को थोड़ा माइनस पॉइंट लगा कि ये तो बैटरी तो हमारी बहुत ही यूज़ होने वाली है, तो ये कुछ क्या इश्यू आ गया अभी पता नहीं। तो अभी मैं इसको निकाल नहीं सकता हूँ बैटरी को। तो चलिए अभी इसमें हम मेमोरी कार्ड डालते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं, ऑन करते हैं कैमरा। तो यहाँ पे हमको 32 GB का मेमोरी कार्ड मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, तो हम वही यूज करेंगे अभी। अरे, एक मेमोरी कार्ड का एडेप्टर है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और एक ये मेमोरी कार्ड है। तो अभी हम इसको
इंसर्ट करेंगे कैमरा में। तो अभी हम इसमें हमारा मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करेंगे। आप देखिए कि इस ये जो चिप है वो इस तरफ रहनी चाहिए कैमरे के। तो यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ हमको डालना है इसको, और सिंपल सा यहाँ पे पुश करना है। ये मेमोरी कार्ड स्लॉट में चला गया। अब इसको बंद कर दीजिए। ये फिर से ऑन हो गया है। आप देखिए इतना वाइड है कि हमारा जो पूरा तामझाम का सामान पड़ा हुआ है पूरा आपको दिख रहा होगा। तो अभी आप ऊपर से ऐसे स्लाइड करेंगे तो आप वॉइस कमांड वो सभी डिटेल्स आती है यहाँ पे। और अगर राइट हैंड साइड से स्वाइप करते हैं तो फोटो फोटो खींचना है या फिर वीडियोग्राफी करनी है उसके लिए सब आता है। और लेफ्ट में से स्वाइप करेंगे तो वीडियो का आता है, और नीचे से स्वाइप करेंगे तो जो चीज़ आपने इसमें रिकॉर्ड की होगी फोटो कैमरा वो सभी आपको दिखाएगा। तो अभी चलिए इसको थोड़ा यूज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसमें दिखता है आपको। तो सबसे पहले इसको हम केस में डाल देंगे। थोड़ा यूज्ड टू होने में टाइम लगता है तो थोड़ा डर भी लगता है कभी। ओह तो अभी हम इसमें जो सेल्फी स्टिक आया हुआ है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये इसका ओरिजिनल स्क्रू है, उसको बहुत ही संभाल के रखिए वरना मुश्किल हो जाएगी आपको दूसरा ढूंढने में। ऐसे करके हमने इंस्टॉल कर दिया है और ये लंबा भी हो गया, तो काफी हैंडी हो गया है अभी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका कुछ कमाल का फोटोशूट। तो अभी यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग टेरेस पे आ गए हैं। हमारे मिलन भाई तो आप ये गोप्रो का स्टिक देख सकते हो कि बहुत ही हैंडी है। ये बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वगैरह भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी हमने यहाँ पे इसको टाइम लैप्स लेने पे रख दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।